ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला। ये बुनियाद है कि तौहीद असल बुनियाद है, ईमान की इस्लाम की असल बुनियाद तौहीद है। अगर तौहीद से हटे तो रिसालत में जगह नहीं मिलेगी, रिसालत से हटे तो सहाबियत में उसको कोई जगह नहीं मिलेगी, सहाबियत से हटे तो विलायत में उसको कोई जगह नहीं मिलेगी, वहाँ उसका कोई मकाम नहीं होगा और वो कोई इसको जो चाहने वाला नहीं होगा। अब आप जानते हैं कि यहूद और नसारा अपने नबियों को खुदा का बेटा बोले, क्या इस्लाम कबूल किया उसको? क्या हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने उनके बारे में सुकूत फरमाया, रद्द फरमाया, तर्दीद फरमा? जब नबी खुदा का बेटा नहीं बन सकता, नबी होने के बावजूद वो खुदाई का दावा नहीं कर सकते, उनके लिए खुदाई का दावा नहीं हो सकता, तो फिर गैर नबी के लिए खुदा का दावा कैसे हो सकता? अगर कोई दावा करता है तो क्या उसको कबूल किया जा सकता है? क्या उसको इस्लाम का अकीदा माना जा सकता है? हरगिज़ नहीं माना। ना खुदा का कोई शरीक है, ना रसूल खुदा का कोई शरीक है।